सिस्टर मामा तो मैं गौतम की बेटी हूँ और मैं अपने पापा के डिफेंड में कुछ फैक्ट्स सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कि ये शुरू कैसे हुआ। डासा में जो मंदिर है वहाँ विपुल गए थे और काशिफ गए थे जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो वहाँ गए थे बाबा को दावत देने के लिए, इस्लाम के बारे में बताने के लिए और वैदिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। बाद में पता चला कि विपुल के पास हिजामा का सामान है जिसमें ब्लेड्स हैं, सीजर्स हैं, तो जब वहाँ के लोगों ने सस्पेक्ट किया कि वो वहाँ पर असैसिनेशन के लिए आए थे, तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने विपुल और काशिफ को अरेस्ट कर लिया तब उन्होंने सलीमुद्दीन के बारे में बताया कि उनका कनेक्शन सलीमुद्दीन से है। जब सलीमुद्दीन से पूछताछ हुई तब उन्होंने मेरे पापा का नाम लिया और कन्वर्जन के नाम उनके ऊपर डाल दिया कि IDCA में कन्वर्जन होता है, जो बिल्कुल झूठ है। IDCA में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, IDCA में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जहाँ रिवर्टेड मुस्लिम्स पापा को अप्रोच करते हैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पापा एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का सबसे पहला स्टेप है, और जो भी लीगल फॉर्म है उसमें आप अपना नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्ट करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी एक्सेट्रा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें डिक्लेरेशन भी होता है दैट आई अफर्म एंड डिक्लेयर दैट आई हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम विद माय फ्री विल एंड कंसेंट। उसमें वो बंदा साइन करता है और फिर वो फॉर्म सबमिट करता है। उसके बाद फिर उसका लीगल काम शुरू होता है, जैसे कि नोटरी का काम है, मजिस्ट्रेट से अगर गैजेट बनवाना है या मेरे सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो सारा गवर्नमेंट इंडिया का स्टैम्प लगने के बाद ही अप्रूव्ड होता है। तो मेरे पापा जो भी काम करते हैं IDCA में वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, गैजेट होता है, एफिडेविट होता है, सर्टिफिकेट्स होता है, और ये सब लीगल वे में होता है। और जो हमारे काजी हैं वो भी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड काजी हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी पापा काम करते हैं IDCA में वो सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें कोई भी काम गलत नहीं है, इलीगल नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी हमारे ऑफिस में आता है वो सबसे पहले फॉर्म फिल करता है, उसके बाद आगे के स्टेप्स होते हैं। मेरे पापा को पुलिस ने कहा कि आपको मसूरी पुलिस स्टेशन आना है पूछताछ के लिए। पूछताछ इसलिए क्योंकि विपुल का जो कनेक्शन था वो सलीमुद्दीन के साथ था, तो सलीमुद्दीन ने मेरे पापा का नाम लिया क्योंकि विपुल जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो मेरे पापा जब मसूरी पुलिस स्टेशन गए तो उनसे सुबह से लेकर रात तक पूछताछ हुई। उसके बाद जब मेरे पापा रात में आए तो मेरे पापा ने कहा कि उन्हें फिर बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स के साथ और अकाउंट डिटेल्स के साथ। तो मेरे पापा ने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, जो भी एफिडेविट थे, गैजेट थे, एप्लीकेशन फॉर्म से, वो सारी फाइल कलेक्ट किया, हमारे अकाउंट डिटेल्स कलेक्ट किया, अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया, सब कुछ। मेरे पापा ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि मेरे पापा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, MLA के साथ हैं और जमीयत में बहुत सारे लोग हैं जो स्कॉलर्स हैं, उनके साथ कनेक्शन हैं, लेकिन मेरे पापा ने पापा को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा को लगा कि ये पूछताछ है और फाइल्स वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि सारे काम लीगल वे में हो रहे हैं तो केस को बंद कर देंगे, पापा का नाम केस से हटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे पापा को रिमांड में रखा विदाउट एनी नोटिस। इट वॉज एन इलीगल डिटेंशन, डिटेन कर लिया था। सैटरडे चला गया, संडे को पता चला सुबह कि मेरे पापा को ATS लखनऊ ले गई है, और मेरे भाई से ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया था। मेरे भाई को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पापा कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं। मेरा भाई बाहर बैठा हुआ था सुबह से लेकर शाम तक, पुलिस ने ATS ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रखा हुआ है इतनी देर तक, कुछ भी नहीं पता। हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत डिस्टर्ब थे इस बात की वजह से। सुबह पता चला कि पापा ATS के साथ लखनऊ में हैं, फिर बाद में पता चला
कि पापा के ऊपर धाराएं लगा दी हैं, 420 और 511 और पता नहीं क्या क्या ग्रेव सेक्शंस लगा दिए हैं जो बेसलेस हैं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जो उन्होंने सिर्फ पापा को फंसाने के लिए एक साजिश किया है कि पापा इसमें फंस जाएं और ये जो पॉलिटिकल है उसमें मेरे पापा एक कार्ड प्ले करें एज अ कन्वर्जन जिहादिस्ट। तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास प्रूफ हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जहाँ पे लोगों ने कंसेंट दिया है, मेरे पास रिवर्टेड मुस्लिम के कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो ये विटनेस बनने के लिए तैयार हैं, जो बोल सकते हैं कि उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया अपनी मर्ज़ी से और वो मेरे पापा को अप्रोच करते थे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो भी लीगल मैनर में। जब हम बात करते हैं फंडिंग की, तो मेरे पापा का कोई कनेक्शन नहीं है ना ISI से और ना किसी गैंगस्टर से। मेरे पापा का काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर आप अकाउंट डिटेल्स चेक करेंगे तो उसमें कुछ फॉरेन फंडिंग्स हैं जो मेरे अंकल भेजते हैं मेरे पापा को, जो कुछ UK में रहते हैं, कुछ US में रहते हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में रहते हैं, कुछ कतर में रहते हैं, कुछ UAE में रहते हैं। मेरे पापा के कनेक्शंस हैं एंड वो प्रोमिनेंट लोग हैं, तो वो लोग रिलीफ के काम के लिए अमाउंट देते हैं, वो भी करोड़ों नहीं, कुछ अमाउंट देते हैं और वो सारा काम रिलीफ के काम में जाता है विद एविडेंस। अगर किसी ने 50,000 रुपये दिया राशन बांटने के लिए तो उसकी पिक्चर्स पापा भेज देते हैं कि आपके पैसे यहाँ यूज़ हो गए हैं और ये उसका प्रूफ है। तो रिसिप्ट, पिक्चर्स, वीडियोस मेरे पापा सब फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि मेरे पापा का काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है और ISI से कनेक्शन है, ये बिल्कुल बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पापा UK जाते थे, US जाते थे, तो मेरे पापा को स्पॉन्सर्ड करते थे लोग अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जैसे कि जब मेरे पापा अरब गए तो वहाँ स्पॉन्सर किया, जब UK गए तो वो भी स्पॉन्सर किया था, जब US गए तो वो भी स्पॉन्सर्ड था। मेरे पास लेटर है जो मेरे पापा को मिला था स्पॉन्सर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे और अपने आप को स्पॉन्सर करते थे, दूसरे लोग स्पॉन्सर करते थे। तो जो फंडिंग की बात है वो बिल्कुल गलत है। मेरे पापा का कोई रोल नहीं है कन्वर्जन में। मेरे पापा खुद रिवर्टेड हैं, मेरी मॉम खुद रिवर्टेड हैं। मेरे पापा ने इस्लाम अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया। मेरी मम्मी ने भी अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया। सिमिलरली मेरे पापा किसी को नहीं बोलते कि इस्लाम कबूल करो जबरन। मेरे पापा अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं और जो मीडिया मेरे पापा की क्लिप्स यूज़ कर रही है वो बहुत ही नेगेटिव वे में यूज़ कर रही है, क्योंकि मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया। तो उस चीज़ को रिलीजन से कनेक्ट करना बिल्कुल गलत है, बायस्ड है। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे पापा का नाम फंसा रहे हैं और एजेंसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि मेरे पापा की बेल ना हो, जबकि मेरे पापा बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनका बिल्कुल क्लीन है, उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। चाहे आप अकाउंट डिटेल्स देखें, चाहे आप फॉर्म्स देखें, एफिडेविट देखें, कुछ भी देखें, आपको कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा कि उनका कोई भी काम इलीगल है या कहीं से उनकी फंडिंग आ रही है जो गलत है या खुफिया जगह से आ रही है या उन्होंने किसी को जबरन इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। ऐसे कोई आपको नहीं मिलेगा जो मेरे पापा के बारे में कंप्लेन करे कि उन्होंने ज़बरदस्ती इम्पोज किया है या फिर एम्ब्रेस करने की कोशिश की है फोर्सिबली, कुछ भी नहीं। हमारा जो गेटकीपर है वो नेपाल का है, ही इज़ हिंदू, बट मेरे पापा ने कभी उससे नहीं कहा। हमारे यहाँ जो कारपेंटर आता है, मेरे पापा ने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बारे में बात करते हैं और जो भी मेरे पापा के टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स इंसानियत का पैगाम होता है, जहाँ मेरे पापा इंसानियत के बारे में बात करते हैं, जहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सब इंसान हैं और एक दूसरे के भाई हैं। तो मेरे पापा ने कभी भी रिलीजन में हेट्रेड अकर करने की कोशिश नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पापा ने
बिल्ड द ब्रिज मोटो रखकर अपने स्पीचेस रखे हैं और डिलीवर किए हैं, ताकि जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि इस्लाम के बारे में जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं वो रिमूव हो जाएं, ताकि इस्लाम को लोग अंडरस्टैंड करें, मुस्लिम्स को लोग अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि मुस्लिम ऐसे हैं मुस्लिम वैसे हैं। मेरे पापा एक मीडिएटर हैं जो चाहते हैं कि सब लोग अमन में रहें और प्यार से रहें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी इस स्टोरी को हाईलाइट करें, कंसिडर करें, और मेरे पास जो प्रूफ्स हैं, जो एविडेंस हैं अपने पापा के लिए, वो आप शो करें। जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, आप उनसे बात करें, क्योंकि वो तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए और बताने के लिए कि उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया है वो अपने कंसेंट से किया, अपने फ्री विल से किया है, और मेरे पापा ने कैसे उनकी असिस्ट किया है। और जो मीडिया में दिखा रहे हैं कि गरीब लोगों को लोर किया है जॉब से, मैरिज से, तो ये बकवास है। मेरे पापा एक बहुत ही काइंड नेचर पर्सन हैं, बहुत ही कंपैशनेट हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, इंसान से मतलब है। मेरे पापा ने इतना काम किया है रिलीफ का जो मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। राशन बांटना, कंबल बांटना, लिहाफ बांटना, और पता नहीं क्या क्या। मैं रोटी बैंक शुरू किया है, कभी लंगर लगाते हैं, कितना कुछ है जो एक वेलफेयर के लिए मेरे पापा काम करते हैं। जो वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए मेरे पापा उन्हें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको जॉब लगाते हैं ताकि वो जॉबलेस ना रहें, ताकि वो अपने दोनों एंड मीट कर सकें और अपना गुजारा कर सकें। लेकिन इस चीज़ को रिलीजन से कनेक्ट करना और ये बोलना कि उनको असिस्ट करके उनको कन्वर्ट करना, तो ये बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पापा एक सोशल वर्कर हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो मीडिया दिखा रही है वो सच है, और लोगों को वो देखना चाहिए जो वो दिखा रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन का, इस कॉइन का दूसरा साइड भी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ विद प्रूफ, विद एविडेंस, ताकि मेरे पापा के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो रिमूव हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और मेरे पापा को इज़्ज़त के साथ क्लैरिफाई कर लें कि मेरे पापा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इनोसेंट हैं। अगर इनोसेंट नहीं होते तो वो कॉपरेट ना पुलिस के साथ करते और ना एटीएस के साथ करते। अभी भी हमें नहीं पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे क्या होगा, कौन सी नई धारा लग जाएगी, क्योंकि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, मेरे पापा का यूज़ कर रहे हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मेरे पापा बिल्कुल क्लीन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को कवर करें और जो सच है उसको सामने लेकर आएँ, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू वेरी मच।